हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपकी 3 फरवरी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 फरवरी से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है डेली करंट अफेयर्स की लाइव क्लास यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदल कर हिंद शहर कर दिया है? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है देश उसके प्राइम मिनिस्टर ने अभी मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। तो ये कहाँ पर बनी है घटना? यूएई, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि हिंद शहर जो है यूएई के प्रधानमंत्री ने किया है। ये वाला कारनामा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, यूएई। अब यहाँ पर देखिए कि जो संयुक्त अरब अमीरात है वो मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। 19वीं सदी में यूनाइटेड किंगडम और अनेक अरब शेखों के बीच हुई संधि की वजह से 1971 से पहले संयुक्त अरब अमीरात को युद्ध विराम संधि राज्य के नाम से भी जाना जाता था। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या फिर जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? केरल, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए आपका कि समता कुंभ जो है दोस्तों वो तेलंगाना में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, समता कुंभ। ओके, याद रखिएगा। अब तेलंगाना से आपको याद रखना होगा कि तेलंगाना जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 28वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोनालो महोत्सव कहाँ से रिलेटेड है तो आपको तेलंगाना यहाँ पर बताना होगा। ओके, इस बात को भी नोटिस करिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी कितने जो है परसेंट रहेगी? जीडीपी का पूर्व हम याद रखिएगा ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका, और भारत की 2022-23 के लिए 6.5% अनुमानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, 6.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस, भारत, जर्मनी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड जो है वो भारत के थे और उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका होगा, भारत। नेक्स्ट, हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? मुंबई, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर चंडीगढ़ को, जो कि हरियाणा और जो आपका पंजाब है दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? कुवैत, UAE, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल कुवैत में जीता है। ऑप्शन नंबर ए कुवैत बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा कुवैत को। क्वेत यहाँ पर आपको दिया गया है, छोटी सी कंट्री है, देख लीजिए यहाँ पर ग्रीन वाला जो आपको छोटी सी जो निशानी लग रही है वो आपका क्वेत है। प्रधानमंत्री है नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साहब साबा। ओके, इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? कुरनूल, तिरुपति, विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए कि आंध्र प्रदेश जो है आपका उसकी राजधानी जो है अभी विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, फिर यहाँ पर याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से रिलेटेड करता है, तो आपको आंध्र प्रदेश ही याद रखना होगा यहाँ पर। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, नागालैंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों देखिए, ताड़ के तेल की खेती जो है वो आपके नागालैंड में सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पर अभी जो है नागालैंड की सरकार ने ही पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में यूनिलीवर के CEO के रूप में कौन नामित किया गया है? रॉबर्ट जेस, कार्तिक अडवाणी, हैन सुमाकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखना होगा आपको हैन सुमाकर को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता माली के साथ समझौता किया है? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मलेशिया। तो अभी देखिए कि रिलायंस रिटेल जो है उन्होंने अभी
श्रीलंका के बिस्किट निर्माता माली के साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर आपसे कोई पूछ ले तो कोलंबो बताना है, और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे आपको बताना है, और छोटी सी कंट्री यहाँ पर भारत के नीचे से हमें आपको पता ही होगा, इसके बारे में जान लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, ममता बनर्जी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों, मैं वेट करूँगा कि सबसे पहले किस बंदे या बंदे की कमेंट जो है मुझे मिलती है। ओके, आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे दोस्तों वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।